हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बता रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है, जो चार पांच चैप्टर रिलेटेड है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिसाइड होता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हर ड्राइंग का जो 90% चैप्टर रिलेटेड रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये मैं एक मॉडल के थ्रू आपको पूरा पॉइंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, हर पॉइंट को आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये हमारा जो ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है VP वर्टिकल प्लेन। ये जो दिख रहा है दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। ये वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन है हमारा, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोस्तों। सबसे पहले जो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर होता है दोस्तों, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर। मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये मैं इधर से देख रहा हूँ, दैट इज ए ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, ये पोजीशन में हमारा पोजीशन, जो भी पोजीशन मानेगा, तो पहला कंडीशन होता है दोस्तों, मैं बताने को फर्स्ट एंगल, यहाँ ये जो इसका नाम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कंडीशन होता है अबव द HP, HP के ऊपर होगा, फ्रंट ऑफ VP, VP के आगे होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पहला कंडीशन है अबव द HP, फ्रंट ऑफ VP। दोस्तों सेकेंड कोऑर्डिनेट का कंडीशन है अबव द HP, बिहाइंड VP। सेकेंड कंडीशन है VP का पीछे होगा और HP का ऊपर होगा, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट में है बिलो द HP, HP के नीचे होगा, बिहाइंड द VP, VP के पीछे बनेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट बिलो द HP, HP के नीचे होगा, फ्रंट ऑफ VP, VP के आगे होगा। ये चार कोऑर्डिनेट में हमारा पूरा ड्राइंग डिपेंड करता है। इस ड्राइंग पे जो भी कुछ आपको बनाना है, आइसोमेट्रिक बनाना है, ऑर्थोग्राफिक बनाना है, जो भी कुछ बनाना है, तो ये चार कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनता है दोस्तों। इंडिया में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसका फ्रंट व्यू जो है वो इस कोऑर्डिनेट में रहता है, मतलब होता है अबव द HP, फ्रंट ऑफ VP। फ्रंट ऑफ VP में जो भी कुछ कोऑर्डिनेट होता है, इसके बाद क्या है, इसका फ्रंट व्यू जब भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका फ्रंट व्यू हर टाइम VP में ही होगा, कभी भी HP में नहीं बनेगा, किसी भी कोऑर्डिनेट में चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जब भी आपका फ्रंट व्यू बनेगा वो VP में बनेगा, टॉप व्यू बनेगा HP बनेगा दोस्तों। फ्रंट व्यू जो है आपका VP में बन गया और टॉप व्यू जो है HP माने, HP का जो है ये 90 डिग्री रोटेशन होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री ध्यान पे रखना है। आपका फ्रंट व्यू रेगुलर यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, नहीं तो यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, नहीं तो यहाँ बनेगा। जो HP है ये 90 डिग्री रोटेट होता है, लेकिन VP कभी भी रोटेट नहीं होता है, किसी भी पॉइंट का बात कर लीजिए, तो ध्यान पे रखना है दोस्तों। HP रोटेट होता है, VP कभी भी रोटेट नहीं होता है, जब भी रोटेट होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होता है, जो HP है दोस्तों। फास्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, ये हमारा फास्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, व्यवहार है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो होता है उसका नाम है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टर के थ्रू जाता है, इसलिए प्रोजेक्शन। सेकेंड कंडीशन बात करें तो ये हमारा फर्स्ट फ्रंट व्यू यहाँ से आ गया, टॉप व्यू यहाँ आ जाएगा, टॉप व्यू रोटेट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, फ्रंट व्यू के पास में होता है साइड व्यू दोस्तों। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा जो फर्स्ट एंगल पोजीशन का साइड व्यू जो है हमारा यहाँ दिखेगा, ये सर्कल है, ये सर्कल देखेगा, ये लाइन देखेगा, टॉप व्यू में एक लाइन देखेगा दोस्तों। ये हमारा फ्रंट, ये हमारा जब भी फर्स्ट एंगल पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात कर लूँ सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ देखेगा, इसका टॉप व्यू यहाँ देखेगा, लेकिन टॉप व्यू यहाँ देखने के चक्कर में क्या होता है, ये जब रोटेट होगा 90 डिग्री रोटेट होगा, तो वो VP और HP दोनों पोजिक्शन जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ओवरलैप हो जाता है, इसलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ भी यूज नहीं होता है, कारण हमारा फ्रंट व्यू VP में है, टॉप व्यू HP में है। जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा HP, तो HP और VP के बीच में ओवरलैप हो जाता है, इसलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं होता है दोस्तों। आ जाता हूँ थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ हमारा प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू जो है वो नीचे रहेगा, HP के नीचे, ये हमारा फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू कहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ टॉप व्यू रहेगा। जैसे टॉप व्यू रहेगा, ये 90 डिग्री रोटेट होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू
ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है, इसका पास में होता है साइड। दोस्तों मैं पीछे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा लगा हुआ है, ये आएगा आपका साइड व्यू। मतलब एलिवेशन के पास रेगुलर साइड व्यू होगा, कभी भी टॉप के पास साइड व्यू नहीं बनता है। सिर्फ फर्स्ट एंगल में बनाइए और थर्ड एंगल बनाइए, जब भी आपका साइड व्यू बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू, वो रेगुलर एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू के पास में उसका साइड व्यू बनेगा। दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश किया, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, जिसका फ्रंट व्यू हमारा वीपी में है, टॉप व्यू हमारा एचपी में है। जब एचपी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो हमारा जो फ्रंट टॉप व्यू है ऊपर आ जाएगा और फ्रंट व्यू जो नीचे रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू हमारा यहाँ है, वीपी में है, टॉप व्यू हमारा एचपी में है। जैसे ही टॉप व्यू को हम रोटेट करेगा 90 डिग्री तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपस में ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने की वजह से फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी व्यू नहीं बनता है। दोस्तों मैं हर पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों फर्स्ट कोऑर्डिनेट अबव द एचपी फ्रंट ऑफ वीपी, सेकंड कोऑर्डिनेट बिहाइंड वीपी अबव एचपी, थर्ड कोऑर्डिनेट बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, फोर्थ कोऑर्डिनेट बिलो एचपी फ्रंट ऑफ वीपी। ये चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का 90% चैप्टर रिलेटेड है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होना जरूरी है। दोस्तों और एक चीज बताने बात बता दूंगा, दोस्तों जैसे फ्रंट व्यू का बात करें, हमने ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब एक व्यू बनाना है, एक लाइन का व्यू बनाना है। ये हमारा सर्किल है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है सर्किल है, ये सर्किल रखा, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं इसको देख रहा हूं। इसका व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, ऊपर से आप देखोगे इसका टॉप व्यू जिसके ऊपर रेस्ट करा हुआ है, जिसके साथ एक परपेंडिकुलर है। अभी हमारा एचपी से परपेंडिकुलर है, पैरेलल किससे, वीपी से पैरेलल है, तो एक लाइन बनेगा। दोस्तों ऊपर से देखूंगा तो लाइन बनेगा, ए लाइन जब रोटेट होगा तो नीचे चला जाएगा। जो मेरा जो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ऊपर में वीपी है, नीचे में एचपी, तो इसका जो लाइन है वो नीचे चला जाएगा। जब सामने से देख रहा हूं मतलब राइट साइड व्यू देख रहा हूं, तो हमारा राइट साइड व्यू कहां देखेगा, ये हमारा एलिवेशन, ये फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, ये हमारा साइड व्यू का। साइड व्यू आपको दिखेगा इस जगह, जो हमारा फ्रंट व्यू जहां है, प्लेन जहां है, उसका पास में रहेगा आपका साइड व्यू। यहां साइड व्यू में आपका लाइन देखेगा, टॉप व्यू में लाइन देखेगा और उसमें लाइन देखेगा। सेम टू सेम दोस्तों, जब मैं थर्ड पोजिशन की बात करूं, थर्ड पोजिशन में सेकंड में क्या होता है, यहां जब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, जो विदेश में होता है थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके पहले प्रोजेक्शन रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है इसमें से क्या है, जो भी व्यू बनेगा वो डायरेक्ट बनता है। लेकिन जब फर्स्ट एंगल का बात करें तो उसका जो साइड व्यू है, लेफ्ट साइड से दिख रहा है तो राइट साइड से बनेगा, राइट साइड से दिख रहा है तो लेफ्ट साइड में बनेगा। दोस्तों जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थर्ड की बात करें तो ऑब्जर्वर इधर से दिख रहा है, यहाँ आपका एलिवेशन बन गया, प्लान बन गया, यहाँ आपका जो भी ये सर्किल बन गया, इसका टॉप व्यू का है एक लाइन है जो यहाँ बन गया। इसके बाद जब साइड व्यू है, जिधर से देखोगे, माना कि इसका राइट साइड व्यू देख रहा हूँ तो राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू देख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में बनेगा। इसका हर पॉइंट को मैंने स्टेप बाई स्टेप ऑब्जेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश किया। जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंस है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, लाइन बनाना है, पॉइंट बनाना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना है, किसी भी पॉइंट जाइए, हर पॉइंट के लिए जरूरत है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल पोजिशन डिपेंड करता है, इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक होता है दोस्तों तो आपका समझ में आना मुश्किल है, जो लाइन कैसे आ रहा है, प्रोजेक्टर किसको कहलाता है, प्लान किसको कहता है, एलिवेशन किसको कहता है, टॉप व्यू किसको कहता है, साइड व्यू कौन सा है, लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू। दोस्तों हर पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश किया। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासरूम दादा अच्छा लगे तो जरूर कमेंट भेजिए, जो मैं और भी थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसका तीन अलग अलग व्यू है, जैसा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका वीपी है, वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, सेकंड कोऑर्डिनेटेड है, ये वीपी का पीछे होता है, एचपी के ऊपर है, थर्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, इसका साइड व्यू है। दोस्तों थर्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वीपी है, ये हमारा एचपी है, तो वीपी के पीछे होता है, एचपी के नीचे होता है। चौथा नंबर जो होता है हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो वीपी के नीचे होता है और वीपी के सामने होता है और एचपी के नीचे रहता है। ये हर पॉइंट मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताने की कोशिश किया। दोस्तों अच्छा लगे जरूर कमेंट भेजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब किए। इसके ऊपर मैं लाइन के ऊपर कुछ वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।